गाइस आपने जो ये गाड़ी देखी दोस्तों, आपको पता चल गया होगा रॉयल इनफील्ड की है ये मेटियोर 350, जिसमें हम लगाने वाले हैं ये कुछ पेनियर। जी हाँ दोस्तों, अभी इसमें पेनियर लगाने का काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये साइड पेनियर देख सकते हैं आप, और ये फ्रेम के साथ में आया हुआ है। सबसे पहले इसकी फ्रेम को उतार लेते हैं ताकि लगाने में ईजी हो जाए और एक्स्ट्रा वेट हमको नहीं लगे और अच्छे से इसको हम फिटिंग कर पाएँ। तो फ्रेम को इसकी निकालना है, इसके साथ में एसेसरीज सब आई हुई, एसेसरीज आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं इस टाइप की पत्तियाँ वगैरह, बोल्ट वगैरह सब इसी के साथ आते हैं। आपको कुछ लेना नहीं है, बस इसको कहाँ कहाँ इंस्टॉल करना है वही आपको इस वीडियो में देखना है। तो सबसे पहले ये जो दिखा रहा हूँ आपको लंबी वाली और ये छोटी वाली, तो इसको सॉकअप के साथ में अटैच कर देना ये छोटी वाली को। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये एलन की बोर्ड, यहाँ पे जो अभी मैंने सीट पे बताई थी आपको, वो वाली अटैच करना है। कैसे करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो दिखा देता हूँ आपको पहले मैं, ये देख सकते हैं लंबी वाली स्टेप से करना है तो ये फ्रेम यहाँ पे लग जाएगी। अब नीचे से इसको एक सपोर्ट और देना है हमको, तो उसके लिए भी हमको यहाँ पर पत्ती दी हुई है। बस आपको एक यहाँ पर अल्टरनेट करना पड़ेगा कि आपको ये वाला जो एलन की बोल्ट है ये आपको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा पड़ता है जो किसके साथ में जो लगा हुआ था ये वाला। तो हमको ये मार्केट से एक बोर्ड लेना पड़ा, बाकी आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें इसी के साथ में आपको मिल जाएगी। तो आपको अलग से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा, सारे बोल्ट वगैरह पत्ती वगैरह सब इसी के साथ आती है। तो इस टाइप से आपको ये फ्रेम को खोलना है चार बोल्ट से, और यहाँ पर फ्रेम पहले लगा लें, उसके बाद में ही इसके ऊपर पेनियर को आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको अंदाज़ा भी रहेगा और ये इजी वे में लग भी जाता है, उसका वेट नहीं आता है। तो देख सकते हैं मैंने एक पत्ती यहाँ पे लगा दी थी, ये देख सकते हैं आप सॉकअप के साथ में अटैच करके। और दूसरी पत्ती आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके साथ में ये भी दी हुई है, पर ये कोई काम की नहीं है, जो अपने को लगनी थी वो तो अपने लगा दी है। तो अभी काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो गया है, कोई भी इसमें अनबैलेंसिंग वाला काम नहीं है, काफ़ी हैवी तरीके से फिट हुआ है ये, और कुछ हिलने मिलने का काम भी नहीं है, और पूरा अच्छे तरीके से अपन ने देख लिया है। बस एक ये पत्ती को लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले से ही होल दे रखे हैं अपन ने, होल वोल किए नहीं है, बस में पत्ती लगाना है। सारी इसमें अटैचमेंट दिया हुआ है, देख सकते हैं ये भी मैंने इसको फाइनल अभी लगा दिया है और अच्छे से देख लिया इसको पूरा। ये देखें ये स्टेप से पत्ती दी हुई थी इसके साथ में ही, उसी में इसमें अपन ने लगा दी, अलग से कुछ लिया नहीं अपन ने। तो ये स्टेप से पूरा ये दोस्तों फ्रेम लग जाती है, फ्रेम लगाने के बाद में ये पेनियर को अपन इसमें कस देंगे। देख सकते हैं आप एक पत्ती यहाँ लगी थी मैंने, दूसरी वाली यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये सॉकअप के साथ से, और तीसरी यहाँ पर, ये एलन की बोर्ड अपन ने थोड़ा बड़ा वाला लिया था। तो ये स्टेप से पूरी फ्रेम अटैच हो गई है दोस्तों, और काफ़ी हेवी देखें पूरी बाइक हिल रही है इतना ज़्यादा इसका, अच्छे तरीके से ये कस गई है इसमें, देख सकते हैं आप। अब इसमें अपने को पेनियर लगाना है ये स्टेप से, देख सकते हैं इसके चार अंदर से बोल्ट लगे हुए रहते हैं, उसको ईजी वे में आपको हल्के हाथ से कस देना तो वहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो अभी इस टाइप का पेनियर लगाना दोस्तों, लगाने के बाद में आप देख सकते हैं गाड़ी बाइक का लुक काफ़ी गजब का आ रहा है दोस्तों। मीटियोर्स में दोस्तों अपन ये पेनियर्स लगा रहे हैं, आपको बता रहता हूँ मैं 350 में, और काफ़ी गजब का लग रहा है दोस्तों। ये एक साइड का पेनियर अभी लग गया है, एक साइड का भी हम लगाएंगे जिसको आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और आपको बताना चाहूँगा इसमें लाइट भी लगी हुई है यहाँ पर, रिफ्लेक्टर लाइट, जो नाइट में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसमें आप चाहें तो बल्ब लगा सकते हैं जो टर्निंग और ब्रेक पर भी काम करेगा। और एक साइड का भी अपन ने लगाया है, गेप थोड़ी लेके रखी है ताकि ये डचके वचकों में शार्को वगैरह पे कहीं पे लगे नहीं, इसलिए अपन ने इस टाइप से फिट किया है। इधर की साइड भी इस टाइप से फिट करेंगे, तो इधर दोनों साइड लग जाएंगे दोस्तों, काफ़ी गजब का लुक आएगा बाइक का, और छोटे मोटे सामान रखने में भी हमारी काफ़ी हेल्प करेगा ये। मतलब एक दो जोड़ चार जोड़ कपड़े रख के आप कहीं पर भी बड़ी लॉन्ग ट्रिप पर जा सकते हैं, इसलिए अपन ने पेनियर लगाया था। कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना साथ में प्रेस कीजिएगा। काफ़ी ईजी सेटअप था दोस्तों, अगर आप घर बैठे लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के देख कर आप इसको लगा सकते हैं। 1, 2, 3 पत्ती और उसके सारे बोल्ट इसी के साथ में मुझे मिले थे, और लगने के बाद में कैसा लग रहा है ये आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। We'll be right back.